हो पा रही है पढ़ाई हो ही रही है भाई। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी भैया। आप गाँव में जो स्कूल है सरकारी स्कूल है वहाँ पर कितने लोग पढ़ रहे हैं? मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार बीजेपी सरकार में हुआ। व्यापारियों को दुकान बंद कर कर भागना पड़ा। जो बना है अडानी के नाम से वो गवर्नमेंट को हमारी जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसको फायदा क्या है ये पूछ लिया। यहाँ पर तो बनने कुछ नहीं थी, वो जाई 2000 रुपये काउ का टाइम पर बन गया हूँ मुलायम सिंह की सरकार में ही अखिलेश की में, उसके बाद में तो खंडर पड़ा है। जो गवर्नमेंट का ठेकेदार था वो 60% बना के 90% के पैसे लेके भाग गया। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। बदायूं में अभी सिटिंग सांसद भाजपा से संघ मित्रा हैं और इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी से सुपाल सिंह यादव जी अभी बदायूं में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है माहौल, क्या है मुद्दे यहाँ पर आम जनता के लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कैसे हैं बाबा? बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। सफेद पानी? सफेद पानी। हाँ, भाजपा ने कुछ काम वगैरह किया ना? काम तो कुछ ना करो। क्या बात कर रहे? काम नहीं किया? काम तो क्यों नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, कुछ ना करो। क्या लगता है इस बार भाजपा फिर से जीत जाएगी बदायूं से? काम तो न कुछ ना करो। अब तो यही एक रोटी खाली पर रहो और क्या पर रहो। एक रोड बना दिया बस। अभी बनो कहाँ है? आप क्या करते हैं? किसान हैं? हाँ किसान हैं हम तो। किसानों के लिए क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर तो बनने कुछ नहीं थी, वो जाई 2000 रुपये काउ का ना आए। कभी आता है 2000, कभी नहीं आता है। कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और इसके अलावा किसानों के लिए कोई सुविधा? और तो कोई सुविधा ना मिली है। कुछ नहीं करा? क्यों बाबा, कुछ नहीं किया यहाँ पे भाजपा ने? भाजपा ने कहा करो, गड्ढा हमारे रोड सब गाँव के और पास सब सड़क खुद ही पड़ी है, सब खुद ही पर ये सड़क निकालने को रत्ता तक ना है। आप गाड़ी लेके जाओ तो कोई रत्ता ना है। भाजपा तो बहुत दम भरती है सड़कों को लेकर के, बहुत चका चक कर दिया है सब। मैंने सब चकई चक है और कहा मकान बना दे और कहा वही चका मकान दिया है। हाँ, मकान वगैरह दिया होगा। हाँ, और किसानों के लिए और दूसरी सुविधाएं? और कहा सुविधा और कोई सुविधा ना है। किसान सम्मान निधि भी मिलता होगा? हाँ वो तो मिलती है। और क्या चाहिए बाबा? तो जय ही मिला ही और कहा मिला वो भी कह रहे कुछ नहीं किया भाजपा ने। भाजपा का आप जे सब बात विकास किया ना भाजपा ने? विकास का है वो तो हम बहुत विकास किया मैंने। नहीं विकास जानते ना है कैसे हो तो सरकार इस बार हम ही बनाएंगे। हाँ तो मोदी जी फिर आएंगे इस बार? हाँ मोदी तो आएंगे ही, मोदी तो आवेंगे मोदी तो आएंगे। अब जा तो जिन्हें पता वही, हमें ना पता जाओ हमें ना। अब तो मत है आप क्या आइए ना कुछ तो हम क्या कह सकते हैं? आपके लिए कुछ नहीं ना। कुछ ना किया है। कह रहे इस बार 400 पार ना पार है। हाँ आ जाएंगे ना? आएंगे नहीं आएंगे? नाराज है आप लोग? और किसान है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ ना किया है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है? विजय। विजय जी क्या करते हैं? व्यापारी। व्यापारी है, अच्छा है। क्या लग रहा है भाजपा ने काम वगैरह किया यहाँ बदायूं में? हाँ बहुत अच्छा काम किया। 18% GST लगाई है, 28% GST लगाई है और व्यापारी बहुत खुश हैं। पहले कभी खुश नहीं थे बीजेपी की सरकार में, ऐसे कभी मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार बीजेपी की सरकार में हुआ। व्यापारियों को दुकान बंद कर कर भागना पड़ा तो यही हुआ है। और क्या है GST की वजह से? और क्या, टैक्स इतना ले लिया कि व्यापारी दब गया उसी टैक्स के नीचे। सत्ता में नहीं थे तो उनका स्टेटमेंट आज भी मेरे पास है, वो कहते थे कि भारत में टैक्स व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और 28% GST लगा के उन्होंने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। अब टैक्स लगाएंगे तभी तो तरक्की करेंगे। क्यों कहा कि टैक्स नहीं होना चाहिए? नहीं पहले कहा ना टैक्स नहीं होना चाहिए, काला धन लेके आएंगे और हम बेरोजगारी बढ़ाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये भी तो सब जुमला था। फिर अब जो कह रहे हैं 400 पार, तो इसका मतलब ये भी जुमला है। फिर अब इसका मतलब ये भी जुमला है, सरकार नहीं आ रही है मोदी जी की। फिर हाँ ये भी जुमला है ना। फिर भैया जुमला है, हकीकत है। अब वो अपना अपना सबका एक राय है। अगर मैं कहूँ कि रोजगार की, ऐसे भैया ने बात बोली थी रोजगार, अगर आप एक रोजगार आप मान के चलते हो सिर्फ गवर्नमेंट ही रोजगार है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट रोजगार नहीं हो, तो आप भी एक रोजगार ही कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि आज देश में रोजगार के लिए क्या किया, कौन सी कंपनी बनाई,
कौन सा उद्योग चालू किया, क्या किया ऐसा रोजगार के लिए? रोजगार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि गवर्नमेंट रोजगार, रोजगार एक वो भी रोजगार है। आज गवर्नमेंट ने लगभग 8 करोड़ सेटअप इंडिया के थ्रू अभी चालू किया, जिसमें लगभग 8 करोड़ प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्टअप किया। जैसे अगर किसान सम्मान निधि की बात करूँ, किसान सम्मान निधि जो उन लोगों की काटी गई जो डबल ले रहे हैं, जैसे घर में सपोज करो मैं हूँ, मेरे पापा किसान हैं, ठीक है, मेरी माताजी को भी अगर किसान सम्मान निधि मिल रही है, ठीक है, और मेरे पिताजी को भी इस किसान सम्मान निधि मिली, तो एक परिवार में 2 लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती। वहीं अगर मेरे पिताजी को और मेरे भाई को या मेरे भाभी को किसी को भी एक परिवार में अगर वो अलग अलग परिवार बने हुए हैं तो उनको किसान सम्मान निधि मिलेगी। यह है किसान सम्मान निधि का। अब लोगों ने क्या कर रखा था, जिसके से मेरे परिवार है, मेरे परिवार में मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, हर किसी को किसान सबको रोजगार, सबको सुविधाएं मुहैया हो गई, बिल्कुल हो गई है मुहैया। अगर मैं भैया यहाँ के मेडिकल आपके तो बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं, तो सेटअप कितना लगा दिया? 8 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। 5 उंगलियां बराबर है आपकी क्या? 5 उंगलियां बराबर है? गांव के रोजगार के बारे में जो भैया बात हुई थी, मैम देखो मैंने एक सिंपल सी एक बात आपको बताऊं, रोजगार मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता, रोजगार होता मेंटली कितने स्टडी करके, तैयारियां करके, पैसे लगा के। आप बता रहे हैं आप किसान के लड़के हैं, किसान अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाता है बताइए। आपकी एक बात का मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि अगर गवर्नमेंट सभी को रोजगार दे दे, गवर्नमेंट कहे कि आपको 2 करोड़ रोजगार कहा वो तो मिलना चाहिए भाई, मैं कब कर रहा हूं 5 करोड़ दो, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे वो तो दो, मैं कब कर रहा हूं 5 करोड़ दो भाई, 2 करोड़ का वादा किया वो तो करो। आप कह रहे हो कि भाई आपने आप करोड़ रोजगार का तो मोदी जी नहीं था ना 2 करोड़ रोजगार रोजगार की अगर बात कर रहे हैं 2 करोड़ रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार मतलब 45 किलो की आ रही है और उसका रेट भी बढ़ गया। आप उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं क्या बोलूं, मैं क्या 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी इस बार। अब ये तो कह नहीं सकते हैं, इसके बदायूं में हालात कैसे? बदायूं में तो विकास है नहीं, विकास नाम का कुछ है जी ने विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सड़कों को सड़कें बदहाल हैं, कुछ नहीं विकास हुआ। इस बार यहाँ वोटिंग होगी है? किन मुद्दों पर वोटिंग होगी यहाँ? अब ये तो नहीं कह सकते, ये तो जनता चुनेगी। अच्छा, ये तो जनता तय करेगी किसको चुनना है। बदायूं में बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। चलो भैया, नियम है सर्दी के बाद तो गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, इसलिए मोदी जी का चेहरा बहुत चर्चित हो गया, इंटरनेशनली ब्रांड बन गया है, कैसे मात देगा विपक्ष? विपक्ष जैसे मनमोहन सिंह जी को मोदी जी ने मात दी, मोदी जी को मात कोई और देगा, इंदिरा जी को किसी ने मात दी, ऐसी मोदी जी कोई है ही नहीं सामने, कौन दे सकता है, कौन मात देगा? बराती तैयार कर लिया, उसका कोई दूल्हा तैयार ही नहीं है। आप बताइए आप किस चीज पर कौन से किसको दूल्हा बनाओगे? आपने बराती तैयार कर ली, उसका दूल्हा मोदी नहीं तो कौन? ऑप्शन में कोई है ही नहीं कह रहा। नहीं नहीं, बहुत से ऑप्शन है, समय आएगा सब ऑप्शन मिलेंगे आपको, समय तो आने दो, समय कहाँ है अभी, समय कहाँ है? राहुल गांधी जी भैया ऑप्शन नहीं लगते आपको? बिल्कुल नहीं लगते ऑप्शन हमें, हमें बिल्कुल भी। युवाओं के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपके लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि उन्होंने कुछ किया आपके लिए? संघर्ष कर रहे हैं उससे 10 साल पहले कहाँ थे ये लोग? अगर जैसे अभी विकास की बात चली गई है तो मैं विकास की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं एक एजुकेशनल काउंसलर हूँ, ठीक है, फ्यूचर इंडिया एडुएट प्राइवेट लिमिटेड से। तो मैं अगर बात करूँ एजुकेशन की, तो जिस सेक्टर में आप बोल रहे हैं कि एम्स हमने इतने बना दिए, हमने IIT इतने बना दिए, IIDM इतने बना दिए, तो इन चीजों का कौन जाएगा? आप जाओ ना ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे। ये सब कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने, भाजपा ने किया। 65 साल में कितना कांग्रेस ने किया ये आप बता दें हमें। मोदी ने बेचा वो सब कांग्रेस ने किया, जो मोदी जी ने बेचा है एयरपोर्ट जो दे दिया अडानी को वो किसने बनाया? बता दीजिए मोदी जी ने क्या बनाया? उससे पहले मैं एयरलाइंस में वर्किंग था, जैसे बात करते ना आज एयरपोर्ट बेच दिए, GBR, ठीक है, अडानी, विप्रो, ये सब, इन सबको पहले कांग्रेस ने बेच रखा था। पुराने डेटा पे जाओ ना, आप सिर्फ शॉर्ट क्लिप पे जाओगे तो कहाँ चीजें मिलेंगी आपको? उनका एयरपोर्ट जो था अभी तक उस पर क्या लिखा होता था भाई साहब, मुझे बताया, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, बता दीजिए। आप अडानी की बात करते हैं तो लखनऊ का एयरपोर्ट, आप मुंबई के एयरपोर्ट, आप दिल्ली के एयरपोर्ट, मैं कह रहा हूँ हर किसी के एयरपोर्ट पे ना, कलकत्ता के एयरपोर्ट। अभी चेंज होके क्या हो गया लखनऊ का एयरपोर्ट? मैम आप एक मैं एक चीज आपके मुद्दे पर बात जा रहा हूँ, लखनऊ के एयरपोर्ट भैया ने बोला, ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप जो भी नाम था पुराना वाला गवर्नमेंट का दिया हुआ था। आपके जितने भी प्राइवेट एविएशन कंपनियां हैं वो थर्ड पार्टी का अंडर चलती है सब। अभी गवर्नमेंट को उससे क्या इनकम है मुझे ये बता दी, एयरपोर्ट जो बना है अडानी के नाम से वो गवर्नमेंट को, हमारी जो हिंदुस्तान की हुकूमत है उसको फायदा क्या है ये पूछ लीजिए। निजीकरण हो रहा है उसका क्या फायदा मिल रहा है लोगों को, देश को क्या फायदा पहुंच रहा है भाई साहब का सवाल है। निजीकरण के जैसे आपने, अगर मैं प्राइवेट की बात करूं जैसे और गवर्नमेंट का एक सेक्टर की बात करूं, अभी क्या है जैसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल लेता हूं, आपने शायद ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दी होगी, मुझे लगता है कि 10 साल पहले से, 11 साल से कर दी होगी, इस गवर्नमेंट को 10 साल लगभग हो गए। अगर मैं बात करूँ रेलवे की, तो क्या होता था रेलवे के कोनों में?
इतने तरह ढेर लगते थे कीचड़ों उसके गुटके के। ये है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। वहीं प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करोगे आप, प्राइवेट सेक्टर क्या है, आपको अगर क्लिनिक्स मिल रही है, आपको सुविधा मिल रही है, चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। और जहाँ भैया ने बात, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतना तो आदमी देख रहा है, वो तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वो मोबाइल से देख रहा है, इतना समझ रहा है वो क्या करना चाहिए। हाँ, उसमें मोदी जी ने काम किया टेक्नोलॉजी लाने में, पर अभी जो है, जो मैंने सवाल किया था एयरपोर्ट वाला, उसका जवाब मिशन को, हाँ वो उसमें काम हुआ, हाँ, काम हुआ, काम हुआ, हाँ, हाँ, उन्होंने काम किया, उसी के तहत ये निजीकरण कर दिया है ताकि स्वच्छ रहे भारत। आप फिर भी वहीं पे आए, आप जैसे आज, आज सीधी में अगर बात बोलूं, आज एक सरकारी स्कूल की अगर आप बात करोगे, सरकारी टीचर की कितनी सैलरी होती है आप सब जानते हैं इस चीज़ के लिए। वहीं एक प्राइवेट टीचर होता है, प्राइवेट टीचर का आप विकास देख लो कितना होता है, आप सरकारी टीचर का विकास, तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाएंगे जब सब निजीकरण हो जाएगा, तो ये बता दीजिए आप मैम। ये शिक्षा का क्या महत्व है फिर, क्या मतलब है ये बता दीजिए। पकौड़े बेचने भी ये एक रोजगार है, नहीं पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है, बात मुद्दे ही करो। अच्छा एक चीज, इन्होंने एक बात और कही थी अपने मैनिफेस्टो में कि एजुकेशन पर काम करेंगे, कि वो जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं उनको ये कंट्रोल करेंगे, उसमें इजाफा हुआ, उसमें कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत पैसा ले रहा है, 5-6 हज़ार रुपये मंथली नॉर्मली जो मीडियम क्लास का बच्चा है, क्योंकि प्राइमरी सरकारी और ये सब चीज़ें गांवों से रिलेटेड है, तो वो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है बहुत महंगा है, बहुत मसला है उसमें, उस पर इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। एजुकेशन सबसे मेन चीज़ है, उस पर काम नहीं किया, बताइए कहीं क्या हो। हेलो, आप अगर कहीं पर भी सरकारी स्कूल में जाते हैं, आप पढ़ाना चाहेंगे सरकारी स्कूल में बच्चों को, मालूम है क्या चक्कर है वहाँ पे, हम लोग सिर्फ बात तो हम यहाँ मीडिया में भी अब खड़े हैं, पब्लिक में खड़े हैं, तो हम सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, रख नहीं सकते कहीं पर भी, और दोनों में फ़र्क है बहुत बड़ा। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा मेरे स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल है, आप मेरे गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे मेरे ही गांव का कोई आसपास का कोई टीचर होगा, मैं उसका विरोध कर नहीं सकता। बस क्या है कि हम गवर्नमेंट हर चीज़ करके चली जाए, आप अपने हक को कब जानोगे। आज यहाँ का मेडिकल हो गया, आज यहाँ का स्कूल हो गया गवर्नमेंट, मैनेजमेंट हुकूमत की जिम्मेदारी। ये बता दीजिए कि बदायूं में भाजपा की कितनी स्कीम पहुँची, कितना विकास हुआ और किन मुद्दों पर यहाँ पे वोटिंग होगी इस बार, इतना बता दीजिए। मैम देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ के मेडिकल कॉलेज की, उसकी 60% पहले हमारे समाजवादी मतलब बनवा रखा था, जिसमें 40% जो था उसका हिस्सा बनना बाकी रह गया था, जिसका जो ठेकेदार वो भाग गया था 90% पैसा लेके, अगर आप पूरे चीज़ों पे जाओगे, ठीक है, आज वो 40% वहाँ पे आ गया। अगर मैं बात करूँ कुछ अभी योजना परियोजनाओं की, तो वो हर जगह चल रही है। अगर मैं बात करूँ रोडों की, तो वो भी वहाँ चल रहा है। किसान सम्मान निधि की बात करूँ, तो किसानों को भी सम्मान मिल रहा है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर जाओगे, मैं अपना खुद का फ़ायदा देखोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा ना। नहीं, वो तो मिल रहा है, फ़ायदा देखना। कहाँ पढ़ाई हो पा रही है, पढ़ाई हो ही रही है भाई, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी भैया। आप गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वहां पर कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, और मतलब वो है गांव, बाई टाइम पर बन गांव मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश की में, उसके बाद में तो खंडर पड़ा है, बनाई नहीं है, शिक्षक है ना बच्चे हैं, कहा है मामा बताओ, आप तो कहते जा रहे हैं, शिकायत किससे करेगा, इनके पास ये सबूत है, 40% जो रह गया था, जो 40% रह गया था इनके पास सबूत है। ये इन्होंने एक ब्लेम अभी ये लगाया है कि सरकार जो गवर्नमेंट का ठेकेदार था वो 60% बना के 90% के पैसे लेके भाग गया, इनके पास इसके पास का सबूत है। कितने अपडेट आप, कितने अपडेट आपके पास में, आपको कैसे पता कि भाग गए लेके पैसा, 90% बहुत सारी न्यूज है मैम, दे रहा हूँ आपको निकाल के, मैं दे रहा हूँ लिखूँ क्या मैं आपको।